जमानत पर घूम रहे हैं, कुटुंब का कुटुंब भ्रष्टाचारी है, और कहते हैं चौकीदार चोर है, आकंठ जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे वो नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठाते हैं। पारदर्शी प्रमाणिकता से भरा जीवन है नरेंद्र मोदी का, एक नए भारत का उदय हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक नया भारत। अरे आतंकवादी हमले तुम्हारे जमाने में भी होते थे, कभी पाकिस्तान से आंख मिला के बात की है, मुंबई तबाह कर गए थे आतंकवादी, मोनी बाबा बैठे रहते थे बोलते ही नहीं थे, चेयरपर्सन मैडम थी, लेकिन मोदी ने कह दिया देश के दुश्मनों को खबरदार सावधान, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम गोली बराब मारोगे हम गोले बरसाएंगे, धरती को तो क्या अगर पाताल में भी घुस जाओगे तो घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे। देश के दुश्मन सावधान हो जाए, भारत अब वैसा भारत नहीं है, एक नए भारत का उदय हो रहा है, विकास के काम गिराऊंगा तो आधी रात हो जाएगी उसकी जरूरत नहीं है। उज्जैन वालों, इस उज्जैन में तो मेरी आत्मा बसती है, क्या किया है उज्जैन के लिए आप जानते हैं, योगदान क्या है कांग्रेस का कोई बता दे, ये तबाह और बर्बाद करने वाले लोग, क्योंकि नामांकन फॉर्म भरना इसलिए विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन इनको सबक सिखाने का मौका आया है, और इसलिए आज मैं उज्जैन निवेदन करने आया हूं, इस बार चूक ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ तो नहीं होगी, एक तो मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं, कौन है हम कहते हैं बताओ तुम्हारा नेता कौन है, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ, बंगाल में दीदी, आंध्र में बाबू, तमिलनाडु में स्टालिन, अरे प्रधानमंत्री कौन को बनाओगे बोले बाद में देख लेंगे, लाइन लगी है लाइन, 20-20 सांसद नहीं लड़ा रहे, प्रधानमंत्री बनने के लिए मरे जा रहे हैं, कौन बनेगा, सोमवार को मायावती, मंगलवार को बाबू अखिलेश यादव, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को चंद्रा बाबू, शुक्रवार को स्टालिन, शनिवार को राहुल बाबा, इतवार को छुट्टी, बताओ क्या ऐसा देश चलेगा। अरे एक बार और गठबंधन की सरकार बनी थी, अटल जी विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले तो देवे घोड़ा, 8 महीना खत्म, क्या ऐसी सरकार चाहते हो, मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार देंगे नरेंद्र मोदी, भारत को दुनिया का सरताज राष्ट्र बनाएंगे, मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए दो बातें, एक मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, बोलिए बनाना है कि नहीं बनाना, और नंबर दो यहां कमलनाथ को भी सबक सिखाना है, आजकल परेशान है, पहले भी जब मैं सीएम था तब भी गाली देते थे, अब भी दिनों रात ये शिवराज ऐसा है ये शिवराज वैसा है, कल हम चले गए छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, कहने लगे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना नहीं चाहिए, ये आ गया तो माहौल गड़बड़ कर जाएगा, हमें उड़ने की अनुमति नहीं दी, 5 के पहले ही अनुमति खत्म, हमने कहा जब छिंदवाड़ा आए हैं तो बोल के जाएंगे, हेलीकॉप्टर रोकोगे तो सड़क से जाएंगे, और सड़क बंद कर दोगे तो पैदल पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बात साफ कर देता हूं, हम शालीन और सभ्य हैं, लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं केवल कुछ लोगों को, अन्याय सहन नहीं करेंगे, एक तो किसान भाइयों नौजवान साथियों, इस चुनाव के बाद इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये बेईमान सरकार लोगों को हक और अधिकार नहीं दे रही, इसको छोड़ेंगे नहीं, कदम कदम पे लड़ेंगे, मैं चाहता, अरे 500 सोयाबीन भी नहीं आए, प्याज बिके भी नहीं आए, गेहूं बेचने में ही कितने आंसू आएंगे देख लेना, तो चना
अब वो सब बताऊंगा तो देर हो जाएगी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इनको, चिंता मत करना। इसलिए मैंने कहा दिल्ली नहीं जाऊंगा, यही मध्य प्रदेश में इनकी छाती पे ही मूंग डालूंगा। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता प्यारी। आपके बीच में रह के आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन इनको सबक सिखाना जरूरी है। एक कथा सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। जंगल में एक बाबा रहते थे, तपस्वी थे, आश्रम बना दिया, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एक दिन कहीं से एक चूहा उनके आश्रम में आ गया, बाबा के आसपास घूमा, चूहुलबाजी की, तो बाबा को चूहा से प्रेम हो गया, उन्हें दाने डाल दिए, पानी रख दिया। अब चूहा बाबा के साथ रम गए। एक दिन पता नहीं कहां से बिल्ली आई, चूहे पे दौड़ी, बाबा सामने थे तो बिल्ली भगा दी, चूहा बच गया। लेकिन बाबा ने सोचा आज तो मैंने बचा ली, कल अगर मैं नहीं रहा तो ये बिल्ली खा जाएगी चूहे को, क्या करना चाहिए। तो उन्हें कमंडल में हाथ डाला, तपस्वी थे, जल निकाला और चूहे पे छिड़क के कहा बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा, फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे छिड़क के कहा कुत्ता हो जा, बिल्ली कुत्ता बन गई। ऐसे कमंडल में हाथ डाल के, जल छिड़क छिड़क के चूहे को शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, कभी दहाड़े कभी गुर्राए कभी पूंछ मरोड़े। लेकिन एक दिन दिमाग में बात आई गई कि ओरिजिनली तो मैं चूहा हूं, और चूहा का भेद बाबा जानता है। जब तक बाबा रहेगा चूहा रहने का राजे जिंदा रहेगा, परमानेंट शेर बनना है तो सोचा बाबा को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। और ये सोच के जैसे ही बाबा पर लपकने हुआ, बाबा जी तो अंतर्यामी थे, तुरंत कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा पुनर्मूस को बाबा, फिर से चूहा हो जा। तो फिर से चूहा बन गया और ची 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 करने लगे। 15 साल कांग्रेस के मित्र घूम रहे थे मध्य प्रदेश में, मामा ने दाल नहीं गले दी। इस बार पहुंचे जनता के पास के बोर्ड के कमंडल में हाथ डाल के कुछ जल हम पे भी छिड़क दो, कर्जा माफ कर देंगे, स्वर्ग जमीन पे उतार देंगे, बूढ़ों को पेंशन दे देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा भी माफ करेंगे। जनता भी थोड़ी पिघल गई, बोर्ड के कमंडल में हाथ डाल के छिड़क दिया, पूरा नहीं तो अधूरे शेर बन गए। लेकिन ये अधूरा शेर ही जनता को खा रहा है, कफन के पैसे छीन रहा है, किसानों के 500 रुपया सोयाबीन के नहीं दिए, गेहूं मारा मारा फिर रहा है, प्याज रुला रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार है, गुंडे खुल के खेल रहे हैं, माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए उज्जैन के मेरे बहनों और भाइयों, बोर्ड के कमंडल में हाथ डालो, 12 तारीख ना 19 तारीख को बोर्ड के कमंडल में हाथ डालो, कमल के फूल की बटन दबा दो और कांग्रेसियों से कह दो फिर से चूहे हो जाओ, पुनर्मूस को भगाओ।